much for you, and thank you so much. देवल परिवार के लिए साल 2023 काफी अच्छा रहा। इस साल धर्मेंद्र की रोंकी रानी की प्रेम कहानी ने जबरदस्त दस्तक दी, तो वहीं उनके बड़े बेटे सनी देओल गदर 2 से गदर मचाते हुए दिखाई दिए। वहीं साल के अंत में एनिमल मूवी से बॉबी देओल ने सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचा दिया। इतना ही नहीं, सनी देओल के बेटे राजवीर देओल ने भी इसी साल बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में अवार्ड रिसीव किया। बॉबी देओल को एनिमल में नेगेटिव रोल में बहुत पसंद किया गया और बॉबी देओल को अब तक अबरार हक के विलन कैरेक्टर प्ले करने के लिए तारीफें मिलती हैं। जहां साल 2023 में देओल परिवार के बड़े बुजुर्गों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री ली, वहीं सनी देओल के बड़े बेटे राजवीर देओल ने फिल्म दोनों से एक्टिंग वर्ल्ड में कदम रखा। फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन राजवीर देओल की एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया। अब हाल ही में जी सिने अवार्ड में राजीव देओल को उनके करियर का पहला अवार्ड दिया गया। उन्होंने ये अवार्ड दोनों के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर का मिला था। वहीं सनी देओल को गदर 2 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अवार्ड शो की रात जब राजीव ने ट्रॉफी जीती, तो उन्होंने इसे अपने दादा को डेडिकेट किया। दोस्तों आपको बता दें, सनी देओल ने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राजीव की स्पीच ने लोगों का दिल जीत लिया है। राजवीर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे दादाजी के बिना कोई यहाँ होता। मेरे इंस्पिरेशन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लव यू दादाजी। स्पीच खत्म होने के बाद सनी देओल और बॉबी देओल काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने राजीव देओल को गले भी लगाया। और इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी देओल ने कैप्शन में लिखा, जो परिवार एक साथ रहता है वह एक साथ जीतता है। फिलहाल दोस्तों आपका देओल परिवार पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।